जो है ब्रांडेड है, लोकल कंपनी। नमस्कार साथियों, बिहार के लाल सना बिहार मनीष कश्यप जो सरल से लेकर संसद तक हमेशा किसी न किसी बहस में लगे रहते हैं, और वहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, हॉस्पिटल व्यवस्था, तमाम प्रकार की बेरोजगारी व्यवस्था, गरीबी व्यवस्था, इन तमाम प्रकार के जो मुद्दे हैं उस पर हमेशा वह डिबेट कहीं ना कहीं करते रहते हैं, और उन लोगों को वो हमेशा पकड़ते हैं जो इसके भागीदारी हैं, जो इस चीज़ को दूषित जो है कर रहे हैं। इसी तरह से जो है सना बिहार मनीष कश्यप जी ने 25 कंप्यूटर बिहार के सरकारी स्कूलों में जो अपने स्वयं चुनेंगे उन स्कूलों में जो है लगवाने वाले हैं। इनका सहयोग जो है उड़ीसा के एक हैं डॉक्टर अच्युत सामंत जिन्होंने इनकी मदद की है। एक बार रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे उड़ीसा में, तो डॉक्टर अच्युत सामंत जो उड़ीसा में बहुत ही इस तरह से सराहनीय काम करते हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब तमाम चीज़ें जो है देखते हैं, और वहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही अधिक किए हैं इन्होंने। शिक्षा व्यवस्था को, रोजगार व्यवस्था को काफ़ी जो है हद तक इन्होंने सहयोग किया है। तो मनीष कश्यप उनके पास गए थे और उनसे मिले हैं। मिलने के बाद से बोले, सर आपने बिहार में इस तरह से, उड़ीसा में इस तरह से व्यवस्थाएं की हैं, हम चाहते हैं हमारे बिहार में भी कुछ इस तरह से सुधार हो। डॉक्टर अच्युत सामंत ने बोला, मनीष बोलिए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मनीष कश्यप जी ने बोला, सर मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे बिहार के लिए कुछ यदि करना चाहते हैं आप तो कर दीजिए। उन्होंने बोला, आप जो कहिए हमारे लिए जो भी सेवाएँ हों। उन्होंने कहा, सर आप अपने स्कूलों में जो है डिजिटल चीज़ें जो है इस समय बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमारी जो सोच है, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो भी गरीब बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन सरकारी स्कूलों में जो है कंप्यूटर का संचलन हो, ताकि ये गरीब बच्चे भी कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज रख सकें। तो अच्युत जी ने बोला, बताइए मनीष जी आपको कितनी कंप्यूटर चाहिए। काफ़ी जो है शर्माते हुए और काफ़ी जो है अंदर से भाव भी थे, इन्होंने बोला सिर्फ हमें 10 ही चाहिए। बोले 10 पर बस? कहें हाँ सर बस इतना ही चाहिए। काफ़ी जो है भावुक आज हैं मनीष कश्यप जी इन 10 कंप्यूटर के साथ। उन्होंने 10 जो कंप्यूटर हैं कुरियर के माध्यम से इनके पास पहुँचाया, और 10 जो है बाकी ये लोग स्वयं जो है खरीदे हैं, और देखिए बाकी 5 कौन को जो है डोनेट करता है। बिहार के लोगों ने और उत्तर प्रदेश के लोगों ने ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोगों ने मनीष कश्यप जी को बहुत ही प्यार दुलार दिया है, जिसका परिणाम है कि आज वह इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं, गरीब बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी है, प्रभु से हम भी दुआएं करेंगे कि उनके सेहत हमेशा बनी रहे और इसी तरह वह गरीब बच्चों के काम आते रहें, दिन दुखियारी के दिनों रात जो है काम आते रहें। अभी हम लोग तो फिलहाल अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु से विनती और दुआएं ही कर सकते हैं। आज जो है काफ़ी जो है मनीष कश्यप जी काफ़ी जो है आज भावुक हैं। इन डॉक्टर अच्युत सामंत के द्वारा दिए गए इस सहयोग से काफ़ी जो है भावुक हैं, और बिहार भारतवर्ष के प्रेम से काफ़ी वो जो है भावुक हैं। आँखों में आँखें डालकर जो किसी भी सवाल को करते हैं, किसी से कोई डर भय नहीं, ऐसे मनीष कश्यप हैं जो बिहार के लाल हैं, सना बिहार हैं, और इनको दिल से सलूट है। इनके लिए क्या हम कहें, कुछ हमारे पास शब्द ही नहीं है। दिल की गहराइयों से आपको हमेशा भी यह सलूट रहेगा, और यदि कभी हमें मौका मिलेगा तो आपसे हम मिलने ज़रूर आएंगे बिहार। और
हम चाहते हैं जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करिए और मनीष भैया को और अधिक से अधिक प्यार आप लोग दीजिए। इन तमाम चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए अपने अगल बगल यदि कोई है ऐसा तो उसका सहयोग करिए आप लोग। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बिहार सरकार ने जब नहीं कुछ किया तो मनीष कश्यप जी ने यह प्रण लिया कि जहाँ तक हो सकता है हम सुधार करेंगे। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यदि थोड़ा वो करेंगे थोड़ा और कोई करेगा, जैसे बिपिन सर हो गए, खान सर हो गए, रहमान सर हो गए, ये तमाम लोग हैं जो वहाँ पर हमेशा देखते हैं कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं। तो उन सभी चीज़ों में जो है आप लोग भी सहभागी हों। काफ़ी जो है भावुक पल है यह, चूँकि 25 कंप्यूटर देना एक काफ़ी जो है बड़ी इनकम सोर्स बता सकते हैं, बोल सकते हैं, इसमें काफ़ी जो है पैसा लगा होगा इसमें, और वो भी सब ESP कंपनी का ब्रांडेड जो है सब कंप्यूटर है। तो इसका कम से कम लागत हमको लग रहा है 40-50 के हेर फेर में होगा एक कंप्यूटर, उससे कम तो नहीं होगा, 30 के ऊपर ही होगा। तो समझ सकते हैं कितना जो है लागत लग गया होगा। तो कुछ लोग यदि सहयोग कर सकते हैं तो सहयोग करिए उनका, और हम लोग भी प्रभु से हमेशा दुआएं करेंगे। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ, और देखिए हैं डॉक्टर अच्युत जो बार बार आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, ये थे डॉक्टर अच्युत, और इनका जो है तस्वीर बिहार का कोई बच्चा है बनाया है। देखिए मनीष भैया यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरह से, दिल से सलूट है डॉक्टर अच्युत सामंत जी को, दिल की गहराइयों से आप दोनों को सलूट। जय हिंद, जय भारत।